सो हेलो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ गेम प्ले। तो आज हम जाने जा रहे हैं हायाबुसा चुराने, जो सही सुना आपने, हायाबुसा चुराने जो यहाँ के एक लोकल गैंग बैलेंस गैंग ने अभी मंगवाई है अपने लिए। और मेरे को खबर मिली है कि वो शायद आज उनके पास आ चुकी होगी, तो उनके पास जाएंगे, उनकी वो बाइक चुरा के लाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए ताकि आगे आप देख सकें हम कैसे बाइक चुराते हैं, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं उस गैंग के एरिया में, वहाँ जाके अपनी अपनी क्या उन्हीं की बाइक लेके आते हैं जिसको हम अपने कब्जे में ले लेंगे वहाँ जाके। तो किस पे चले हम, किस पे चले, फिर बाइक पे चलते हैं और उनके एरिया की लोकेशन डाल लेते हैं पहले हम। तो उनकी लोकेशन यहीं कहीं है, यहीं कहीं उनकी लोकेशन है, तो यहाँ डाल लेते हैं हम। यहाँ आई थिंक यहाँ है, हाँ चलिए उनकी लोकेशन में चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कितने लोग हैं, क्या है, कैसे होता है, लड़ाई झगड़ा करके लानी पड़ेगी या प्यार से मिल जाएगा। हाँ वैसे प्यार से नहीं मिलेगी, गुंडों का एरिया है और उन्हीं की बाइक है, तो आस्ते आस्ते तो देने देंगे। मैं बोलो भाई साहब जी आपके लिए मंगवाई थी हमने, ले जाओ यहाँ से, जाके देखना पड़ेगा वहाँ पे, देखते क्या होता है वहाँ जाके, काफ़ी मज़ा आने वाला है। वैसे लड़ाई झगड़ा होगा, धूम धड़ाका, गोलियाँ चलेंगी अंधाधुन, तो बने रहिए वीडियो में। बाकी बाइक अपनी ठीक ठाक है, ओवर पावर है थोड़ी, क्रूजर बाइक है ना, तो वजन ज़्यादा होता है इसका। लो 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 लो, गए गए, बच चुके, ठुकते ठुकते रह जाती है। तो चलते हैं, रेड लाइट जम करनी पड़ेगी बच के, वो भी बोल रहे भाई रेड लाइट है, वो बोलेगा मेरी नहीं तेरी रेड लाइट है, और क्या करें, रेड लाइट पे हम रुकते नहीं, ग्रीन पे हम चलते नहीं, उल्टा ही हो गया। वो बच गए बच गए बच गए बच गए, देखा तुम्हारे भाइयों का कट, तो लोकेशन पे शायद आई थिंक हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा दूर और रह गया, काफी पास तक तो हम आ ही गए, बस रोडों पे ठुक ना जाए एक बार भी। हाँ गए, देखो इन गुंडों के एरिया में आते ना पता लग जाता है, ये देखो अलग सी वाइब जाने लग जाती है आती। आ ही गए हम, अरे अरे हमें तो लेफ्ट जानी थी, ये कहाँ पहुँच गए हम, ज़्यादा स्पीड में था ना इसलिए हम गलत डायरेक्शन में मुड़ गए। अब आई थिंक यहीं से राइट होना है, हाँ मैप आ ही रहा है, लो गलती हो गई, मैप देख देख के चला रहा था ना इसीलिए। अब चलते हैं राइट लोकेशन पे, ये वाला कट आई थिंक, हाँ ये लाइट ग्रीन हो रही है अपनी बत्ती है। और ये देखो जैसे हम यहाँ पे आते हैं ना अलग से ही पता लग जाता है एरिया कैसा है, देखो गैंग वैंग खड़ी हुई है, हर जगह पंचायतें हो रही है। तो हमें जाना है इस साइड जाना है, देखते हैं कहाँ जाना है, सीधा ही जाना है बिल्कुल यहाँ से हमें, काफ़ी गुंडे गुंडे यहाँ पहले से खड़े हुए हैं, ये लोग घर से खाली है क्या दिन भर, ये भारी रहते हैं ये लोग यहाँ पे। अरे भैया बच गए, देखा, तो अपनी बाइक लगाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे आई थिंक इन्होंने छुपा के रखी होगी, तो हमें यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ देख रहे हो एक डॉगी भी बांध रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, जयंती लाल बिस्कुट दूँ तेरे को, बिस्कुट नहीं चाहिए, इसे बिस्किट्स होता है, बिस्कुट नहीं होता। अब हमें यहाँ ढूंढनी पड़ेगी बाइक है, पर इन लोगों से पूछना पड़ेगा आई थिंक, तो ये लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो एक हथियार रख ही लेते हैं अपने पास, कौन सा रखे, ये ले लेते हैं। बोल ले अभी जो गन दिखाई थी मैंने, तो यहाँ पर इन लोगों ने गोलियाँ मारी शुरू कर दी है बिना फालतू में ही, वैसे बिना फालतू में क्या, हमने ही पहले उंगली करी थी इन लोगों के आज इनको एक एक का दिन आ गया है, क्योंकि हम आए तो बाइक तो लेके ही जाएंगे, चाहे सबको मार के लेके जानी पड़े या कैसे भी। लो कुत्ता भी अटैक कर रहा है मेरे पे, वाह क्या बात है,
बंदे तो बंदे, कुत्ते भी सिखा रखे हैं। अब कौन से मारा है गुर? अरे तू कहाँ से आ गया? अलर्ट, एक और खड़ा है पीछे की तरफ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बाइक हमें ढूंढनी पड़ेगी और पहले इन सबको निपटाना। अरे लो एक और आ गया चाचा चौधरी। चल तेरी तरह टोपी उड़ी पहले इसकी। तो गालियां कौन दे रहा? अरे तुम भी गए, बाइक बता दो कहाँ है, मेरी मेहनत मत लगाओ। बतो उनको, उनसे निपटते निपटते बाइक भी हमें ढूंढनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कहाँ खड़ी कर रखी है इन लोगों ने। यहाँ तो नहीं है, देखना पड़ेगा आगे जाके कहीं यहाँ वहाँ कहीं छुपा रखी हो। तो भूसा हमको ढूंढनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ छुपा रखी है इन लोगों ने, देखनी पड़ेगी कहीं सामने वामने तो नहीं है। ओ तेरी, देख रहे हो कहाँ छुपा रखी है लोगों ने, दिमाग देख रहे हो बंदों का। ओ माय गॉड, पूरी कार्बन फाइबर है, पूरी की पूरी कार्बन फाइबर। भाई छुपानी तो बनती थी। पहले यहाँ से निकलता हूँ, फिर इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा आपको। इनके काफ़ी गुंडे अभी भी मेरे पीछे होंगे इनके। भाई इतने बंदे मारे हैं इन लोगों के, हक तो बनता ही है पकड़ने का। तो पहले यहाँ से निकल लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाके ओवरव्यू देंगे। एयरपोर्ट पर चलते हैं, कहीं चलते हैं, खुल जाएगा। और तुम्हारा भाई ने बुलेट प्रूफ जैकेट डाल रखी थी, इसलिए इन लोगों की गोलियों से बच गया, वरना ये लोग तो ठोक देते मेरे को। तो चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं, फटाफट चलते हैं पहले यहाँ से। ओ भाई देख रहे हो पिकअप, देख रहे हो भूसा का, अलग ही मजा है भूसा का। तो आराम से आराम से आराम से बच गए। चलिए चलते 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 हैं यहाँ से, पहले इनके एरिया से बाहर निकल जाते हैं। जान है तो जहान है। बुलेट प्रूफ जैकेट भी कब तक बचा लेगी? जैकेट बुलेट प्रूफ है, मेरे खोपड़ी बुलेट प्रूफ थोड़ी है। ओ बची 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 बची, यहाँ से निकलना पड़ेगा फटाफट, काफी कंजेस्टेड एरिया है। बच गए बच गए बच गए बच गए। और स्पीडोमीटर देख रहे हो तुम? बिल्कुल स्पीडोमीटर दिखाता हूँ मैं आपको, पूरा ढंग से दिखाता हूँ स्पीडोमीटर। देखिए आप ये देखो सारा बिल्कुल भूसा गए, तो स्पीडोमीटर सबसे प्यारा है। साइड व्यू भी देख लीजिए, अब काफी दूर आ गए उनके एरिया से, फिर भी थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। मेन रोड पकड़ लेते हैं यहाँ से। तो एक बार आपको छोटा सा बाइक का एक ओवरव्यू देता हूँ यहाँ रुक के। रोड पे कहाँ रुकता हूँ, रोड पे तो लोग। भाई ये देखो भूसा की पावर ही है, भूसा है। यहाँ पे एक ओवरव्यू देते हैं इसका। ये देखो हेलमेट उतार लेता हूँ, गर्मी लग रही है। गन रख ले भाई, गन से कोई ना आ रहा। ये देखो पहले गन रख लेता हूँ मैं। भूसा का ओवरव्यू देखो, पूरी कार्बन फाइबर, कम्प्लीटली कार्बन फाइबर, फ्रंट से लेके बैक तक पूरी की पूरी कार्बन फाइबर, मतलब अलग ही है। इसको तो चुराना बनता ही था, देख रहे हो अलग ही मजा है भूसा का। तो चलिए चलते हैं हाईवे की तरफ, चलते हैं थोड़ी बाइक को भगा के, देखेंगे कैसी भाग रही है कैसी नहीं चल रही। तो जाके अपने गैराज में खड़ी कर देंगे उसको, छुपा के रखनी पड़ेगी कुछ दिन तो उसको अंदर। ये गुंडों से चुरा के लाए, पता लगा फिर लेके चले गए हमसे मारपीट करके। ये देखो टॉप शूट भी चेक करेंगे अभी इसकी, पर थोड़ी अच्छी रोड मिल जाए खुली। नहीं ये तो गलत आ गया, हमें सीधा जाना पड़ेगा आई थिंक। तो गोल चक्कर वगैरह ना बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं यहाँ के। यहाँ से हमने मारना पड़ेगा राइट, ब्रेकिंग भी अच्छी है इसकी। ऊपर चल के देखते हैं, यहाँ से मेन रोड आ चुका है। ऑफ स्पीड भी निकाल लेंगे अगर यही निकलती है, एयरपोर्ट जाना ही ना पड़े। ओ तेरी देख रहे हो तुम्हारे बाइक कैसे चला, बोलते ही ठुक जाता हूँ, अपनी ही नज़र लग जाती है ना थोड़ी थोड़ी। तो वापसी हम गलत आ गए, एक बार और कटवाना। अरे यार कहाँ जा रहा है, अरे दीवार में कहाँ घुस रहा था समझ नहीं आया मेरे को। ठीक आसी रोड है, सीधा जा। ऐसा भी हम दीवार में घुस गए थे अभी। तो यहीं से चलते हैं हम आगे, बिल्कुल टॉप स्पीड निकल जाएगी क्या यहाँ पे 160 163। पर स्ट्रेट रोड चाहिए हमें,
165, 169, वो तेरी बच गए, लो ठोकी गए, सॉरी, हमारे इंडिकेटर के बल्ब फूटे हुए हैं क्या, समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं, बाद में जब इसको कस्टमाइजेशन करवाएंगे इसमें तब देख लेंगे इसको, काफ़ी मज़ा आने वाला है। उषा के साथ तो बहुत चीज़ें करनी है, एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ पूरी मॉडिफाई कर पा देंगे इसको। तो वापस लोकेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा, सही जा रहे हैं हम, रॉन्ग साइड चला कर देखते हैं, ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, चलो चलते हैं, फिर अपने लेन में चलाते हैं। ओहो, थोड़ी ऑफ रोड भी टेस्टिंग करेंगे इसकी भी, ऑफ रोड पे कैसे चलती है ये, वहीं पे ले लेते हैं, नए अभी पहाड़ वगैरह आगे आएंगे। बिली देखो, तो हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं अपनी बाइक की टॉप स्पीड वगैरह देखने के लिए, देखते हैं कितनी भागती है यहाँ पे। तो सबसे लंबे वाले रनवे पे चलते हैं और इसकी टॉप स्पीड निकालते हैं आज, नहीं मज़ा तो एयरपोर्ट में चलाने का, खुली सड़क है। अब देखते हैं ये रहा अपना रनवे बड़ा वाला, तो यहाँ से सीधा जाएंगे हम वहाँ पे, सब कुछ देख लीजिए बाइक का, तो वह बर्न आउट मार लेते हल्का सा, धुआं निकलता है, अरे बर्न आउट देख रहे हो, अरे देखो पास से देखो टायर पूरा घिसूँ, नहीं यार फिर टॉप स्पीड कैसे करूँ, तो अपनी स्पीड देखते हैं 90, 127, वो तेरी सेकंडों में पार हो रही है, 200 से ऊपर तो जाएगी, 205, 207, 250 पहुंच जाएगी, लग नहीं रहा 250 पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, देखते हैं, 220, रुक गए और रुकना पड़ेगा, बच गए, देखते हैं यहाँ से 250, मेरे को लग नहीं रहा 250 पहुंचे, स्पीड काफ़ी कम लग रही है मूसा के हिसाब से, मेरे को नहीं लग रहा है 250 पहुंचेगी, 200 पार होती है कि नहीं होती, 200 तो पार हो रही है वैसे, पर 250 पार होती है या नहीं होती है देखना पड़ेगा हमें, वीडियो में तो नहीं हो पाएगी, पिकअप लेना पड़ेगा। तो 227 मैक्स आ रही है ये, थोड़े अपग्रेड्स करवाने पड़ेंगे इंजन वगैरह में, उसके बाद शायद चली जाए, तो ठीक है 250 भी, 227 भी बहुत है। ये वीली देख रहे हो, ये देखो कंट्रोलिंग भी अच्छी है भूसा जी। अब इसकी ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं कितनी देर में ये जीरो पकड़ती है फुल स्पीड से। ये है अभी 150, हाँ 200 बार तो जाएगी, 200 के बाद देखते हैं जीरो कितनी देर में होती है। ये पहुंचा ये जीरो, बाप रे कुछ सेकंडों में जीरो हो गई, बताओ यकीन ही नहीं हो रहा इस पे, मतलब ब्रेकिंग के मामले में भूसा तो बढ़िया है। चलो देखते हैं एक बार और ट्राई करते हैं कितनी स्पीड के बाद ये ब्रेक पकड़ती है। अब माननीय में ब्रेक, मतलब सेकंडों में 125, 125 से जीरो पहुंच जाती है, कांट बिलीव, ये तो बहुत हो गई, एक वीली तो बहुत हो गई, एक स्टॉप ही मार के देखते हैं। ओ देख रहे हो भूसा पे स्टॉप ही, अब वीली यहीं से उठा लेते हैं, पर पावर है भूसा में इतनी। ये देखो ओ तेरी, ये स्टॉपी। तो आज का वीडियो में ही ख़त्म करते हैं, इसको घर ले जाके खड़ी कर देंगे, तो बाद में कुछ अपग्रेड्स करवाएंगे इसमें, तो एक अपना बढ़िया सा गैरेज बनाएंगे जिसमें हम सारी बाइक ये कार्स वगैरह खड़ी कर सकते, सारी सुपर कार्स हो सुपर बाइक्स हो। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, ऐसी बढ़िया बढ़िया और कंटेंट आते रहेंगे गेमिंग से रिलेटेड, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको पता लग सके कि अपनी गेमिंग वीडियो आ चुकी है, और बाकी मोटो व्लॉग भी डलता रहता है, बट लॉकडाउन है तो गेमिंग का एंजॉय कीजिए।